नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को लेके। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को लेके काफ़ी सारा कैंडिडेट के मन में काफ़ी सारा डाउट है और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी सारा कैंडिडेट के मन में ये डाउट है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो आपका NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2019 का जो रिक्रूटमेंट है ये आपका NRA कंडक्ट नहीं करेगा। ये आपका जो है 2020 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और वो भी जो नया एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा वही आपका रेलवे ग्रुप का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, उसके साथ साथ NDTV.com के ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी अपडेट आया है उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिना भागा के एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही RRB रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारा कैंडिडेट के मन में जो डाउट है वो है आपका NRA को लेके, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सभी ग्रुप बी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप बी, ग्रुप डी और ग्रुप सी जितना भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए आपका जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका 2021 के मिडिल से होगा। 2020 से जितना भी रिक्रूटमेंट है, चाहे वो SBI हो या तो फिर IBPS हो या तो फिर रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, सभी 2020 में होगा। और इन कोई भी एग्ज़ाम आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कंडक्ट नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये भी क्वेश्चन है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2021 में होगा या तो फिर 2000 कोई के बोलते हैं 2022 में होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि जैसे दिन जा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है लगभग एक साल हो गया है अभी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में रेलवे NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो स्टूडेंट लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और जिसके वजह से कैंडिडेट कोई कोई सोशल मीडिया जो टेलीग्राम पे या तो फिर व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है वहाँ पे कैंडिडेट बोलता है कि कोई कोई बोलता है कि 2021 में एग्ज़ाम होगा, कोई बोलता है 2022 में एग्ज़ाम होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आप इन सभी बातों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है आपका एग्ज़ाम 2020 में ही होगा। जैसे कि आप सभी को पता है रेलवे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की खोज कर रहे हैं, जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपका RRB, NTPC और ग्रुप डी दोनों का एग्जाम शेड्यूल जो है RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। एक बात तो कंफर्म मैं आपको बता दे सकता हूँ, आपका रेलवे ग्रुप डी और NTPC का एग्ज़ाम NRA कंडक्ट नहीं करेगा। ये दोस्तों कंफर्म है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, 2020 में ही आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ NDTV.com के ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर जो भी अपडेट है मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी NDTV.com के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया हूँ और यहाँ पर दोस्तों रेलवे फेज टू रिक्रूटमेंट नियरिंग, नो प्रोसेस इन RRB NTPC ग्रुप डी एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि रेलवे के द्वारा बताया गया था कि रेलवे जो है, रेलवे 2019 में NTPC और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया था और दोस्तों रेलवे की तरफ से बताया गया था कि आपका NTPC और ग्रुप डी का जो एक रिक्रूटमेंट है वो आपका 2020 के मिडिल तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद 2021 में फिर से 90,000 प्लस वैकेंसी आएगा। यानी कि दोस्तों 2021 में 90,000 प्लस वैकेंसी आएगा रेलवे ग्रुप डी ग्रुप सी को मिला के। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे NDTV.com की तरफ से अपडेट दी गई है, रेलवे फेज टू रिक्रूटमेंट नियरिंग, नो प्रोग्रेस इन RRB NTPC एंड ग्रुप डी एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, RRB ग्रुप डी और NTPC के एग्जाम के लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। जैसे कि आप सभी को बताया कुछ दिन पहले दोस्तों, एक RTI के रिप्लाई के थ्रू यहाँ पे बताया गया था कि आपका कि RRB NTPC का जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके लिए अभी तक टेंडर भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ही RRB NTPC का टेंडर जारी होगा उसके बाद ही आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कंफर्म होगा, उसके बाद ही आपका RRB NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेट है यहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका RRB NTPC और ग्रुप डी, अगर RRB NTPC पहले होता है तो RRB NTPC के लगभग 2 महीना बाद ही आपका RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और अगर आप ग्रुप डी कंडक्ट होता है पहले तो 2 महीना बाद ही आपका NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो आता है दोस्तों, RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा? अगर RRB NTPC का एग्ज़ाम
अप्रैल में शुरू होता है, तो आप मान के चलिए जून तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होगा, और अगर आप अप्रैल में ग्रुप डी शुरू होता है तो जून तक आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होगा। अब यहाँ पे अप्रैल तक एग्ज़ाम कंडक्ट होने का कितना चांसेस है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर फरवरी के एंड तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल हो जाता है तभी आपका आरआरबी ग्रुप डी या तो फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम अप्रैल में होने का चांसेस है। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल होने के बाद भी एक से लेकर डेढ़ महीना लगेगा आपका जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। यानी कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल होने के बाद पूरा लैब बुकिंग जो है लैब प्रिपेयर करते करते एक से लेकर डेढ़ महीना लग जाएगा। तो दोस्तों आपका अगर फरवरी के एंड तक भी आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कंफर्म हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते अप्रैल हो जाएगा। तो आपके पास अभी भी दो महीना टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपडेट दी गई है NDTV.com के ऑफिशियल वेबसाइट में, ये प्रॉमिस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन जनवरी 2019, द सेकेंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बिगिन इन मे जून 2020 एंड गेट कंप्लीट बाय जुलाई अगस्त 2021। इन दिस फेज रेलवे वुड अनाउंस 99,000 पोस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन दोस्तों अभी तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, जो आपका 2019 में होना चाहिए था। तो आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। जब तक आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका जो सेकेंड फेज का 99,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन है वो तब तक नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में एग्ज़ाम डेट और उसके साथ साथ एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर फरवरी के एंड तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कंफर्म हो जाता है तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका अप्रैल में होने का चांसेस है। अगर फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कंफर्म नहीं होता है तो एग्ज़ाम और भी दूर चला जाएगा, यानी कि दोस्तों मई या तो फिर जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये एकदम दोस्तों मैं जो आपको बता दिया, इससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आता है मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।